नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ और जिसका नाम आपने पहले ही देख चुके हैं। कंपनी का नाम है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ और एक बहुत बड़ा अपडेट कंपनी दे चुके हैं। तो उस अपडेट के कारण इस स्टॉक में फ्यूचर में ग्रोथ आ सकते हैं, तो इस तरीके से कुछ पॉसिबिलिटी किया जा रहा है। तो चलो मैं आज डिस्कस करूंगा इस बैंक के बारे में, इस डिटेल्स के बारे में, क्योंकि आरबीएल बैंक ने जो अनाउंसमेंट किया, आरबीएल बैंक ने जो बताया, तो उसके हिसाब से बैंक कितना ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन के बिना, आपका प्यार के बिना हमें ग्रोथ नहीं हो सकते। तो आपका प्यार का बहुत बहुत जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट करिए। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप इंटरडे ट्रेडर है तो आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन करना और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको न्यूज के ऊपर लेके जाता हूँ, जो न्यूज के बारे में आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो न्यूज कौन सा चैनल के ऊपर आया है? बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो ऑब्वियसली मैं थैंकफुल हूँ, पूरा क्रेडिट मैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर देना चाहूंगा। आप इस साइट के ऊपर जाइए और इस न्यूज को जरूर देखिए, क्योंकि देखिए कुछ न्यूज आपको खुद भी सर्च करना पड़ेगा, खुद भी देखना पड़ेगा। आप देखेंगे तो आरबीएल बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है, और उन्होंने क्या किया, बोर्ड अप्रूव्स, मतलब उसका जो बोर्ड है, उसका जो मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने क्या किया, अप्रूव किया फंड रेजिंग करने के लिए 3,000 करोड़ फंड बिजनेस ग्रोथ, मतलब बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ऐसे नहीं कि चलो कंपनी ने कुछ निवेश करेंगे उसके लिए यहाँ पे फंडिंग ले रहा है, बिल्कुल नहीं। बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, देखिए उसके लिए बिजनेस ग्रोथ मतलब कंपनी का बहुत सारे शायद ब्रांचेस खोलना है, शायद कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है, शायद कंपनी का नया कुछ प्रोजेक्ट ले आना है। तो इस तरीके से लिए बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी 3,000 करोड़ कंपनी यहाँ पे फंडिंग करने वाला है। और ये एक बहुत ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि फंड रेजिंग करना बैंकिंग के लिए जरूरत है, और फंड रेजिंग तभी करते हैं बैंक जब बैंकिंग को ग्रोथ कराना होता है। तो 3,000 करोड़ का कंपनी यहाँ पे फंडिंग करने वाला है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और आप देखेंगे तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, चलो मैं डिटेल्स में दिखा देता हूँ। आरबीएल बैंक जो है, उन्होंने मंडे के दिन यहाँ पे बताया है बोर्ड अप्रूवल के माध्यम से 3,000 करोड़ यहाँ पे फंड रेजिंग करने वाले है बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए। यहाँ पे देखिए, द फंड रेजिंग विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल चुका है। द बैंक सेट रेगुलेटरी फाइलिंग, मतलब रेगुलेटरी फाइलिंग सेबी के पास जमा भी कर चुके हैं। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, सेबी के पास आपको तो फाइलिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सेबी के मतलब अप्रूवल के बिना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी किसी को मतलब कोई भी मैनेजमेंट टीम से किसी को बाहर निकलना है, तो उसको भी फाइलिंग मैनेजमेंट को आपको सेबी के पास करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ सेबी को नहीं, शेयर होल्डर का भी आपका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो एक भी शेयर खरीद के रखे हैं तो फिर भी आपको मेल आएगा, आपका वोटिंग देना जरूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, विसाइडर ऑफ द, यहाँ पे देखिए, बोर्ड्स हैज अप्रूव इशूड 1.7 करोड़, 1.75 करोड़ एडिशनल इक्विटी शेयर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इतने शेयर मतलब यहाँ पे करने वाले। तो इस तरीके से कुछ चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा कंपनी फंड रेजिंग करने वाला है, उसके लिए कंपनी ऑब्वियसली बहुत मतलब जोर शोर से तेजी से काम भी कर रहा है, और कंपनी 3,000 करोड़ का फंड रेजिंग करने के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो क्या इस पॉजिटिव साइन के हिसाब से कंपनी को निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी फिर से रीबैक कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कंपनी गिरते जा रहे थे। चलो मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो आरबीएल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपका तो होश ही उड़ जाएगा, क्योंकि जो कंपनी करीबन करीबन 720 रुपीज के आसपास चल रहा था, वो कंपनी आज 100 रुपये में चल रहा है। तो कितना, 7 गुना आपका, मतलब 70% आपको लॉसेस चल रहा है। तो सोचिए इतना बड़ा जो कंपनी लॉसेस दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर क्या भरोसा करना चाहिए। देखिए मैं मानता हूँ सिचुएशन में इस तरीके से क्रैश हुआ, मगर उससे पहले क्या कंपनी का खराबी किस तरीके से आया, जो 2019 में कंपनी क्रैश हुआ था। तो कंपनी देखिए लगातार लॉकडाउन के सिचुएशन के बाद कंपनी फिर से लगातार गिरते चले गए, और कंपनी अभी फिलहाल के लिए 100 रुपीज के भी नीचे आ गए थे, अभी तो 100 रुपीज में आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में अभी भी डाउन ट्रेंड है, और भी डाउन हो सकते हैं। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, तो मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस आपको देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी का देखिए कासा रेशियो, तो मुझे इस कंपनी का कासा रेशियो बहुत कम लगा,
सेविंग एंड करंट अकाउंट से जो पैसा बैंकिंग को आते हैं वो बहुत कम है। करीबन करीबन इस कंपनी ने कासा रेशियो जो पब्लिश किया करीबन करीबन 35% का, तो 35% मतलब बहुत कम है मेरे हिसाब से। जो 35% था वो 2021 में था, 2020 कितना बना 27%, तो इसका कासा रेशियो कम हो चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा मतलब आना चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए था वो पैसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जितने पैसे कम आएंगे वो कम लोन बांटेंगे और कम लोन बांटने से कंपनी का फायदा भी कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप एक बार इसका रेशियोज के हिसाब से देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए कंपनी का एनपीए बढ़ते जा रहा है, जो पहले एनपीए को कितने शानदार कंट्रोल में रखे हुए थे 0.64%, बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, आज वो एनपीए 2% के ऊपर चला गया। मतलब कंपनी का कर्जा मतलब कंपनी का कर्जा मतलब नहीं, कंपनी जो लोन बांटे है उस लोन से पैसा मार्केट से उठा नहीं पा रहा है। तो इतने सारे लोगों को लोन दे दिया जो लोग पैसा अभी तक नहीं दे रहे हैं, और वो बता रहा है कि मेरा लोन अब मैं नहीं मिटा पाऊंगा क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं चला और मैं मतलब डिफॉल्ट हो चुका हूँ, मतलब मुझे लोन चुकता मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए देखिए कंपनी का एनपीए कम होता जा रहा है, कंपनी का एनआईएम भी कम होता जा रहा है, कंपनी का पैग रेशियो तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी वो एक थोड़ा सा कंट्रोल में है, 5% है, फिर भी 4% के आसपास होता तो अच्छी बात होता, तो एक एवरेज लेवल में जरूर कहूँगा। कंपनी का सीयर परसेंटेज 17.5% है, मतलब सीयर परसेंटेज भी एक अच्छा खासा लेवल में है जरूर कहूँगा, क्योंकि 9% के ऊपर होना चाहिए था ये बात आपको पता है। और कंपनी का एडवांस ग्रोथ जो है वो मुझे उतना खास नहीं लगा। तो कंपनी के जो बाकी परफॉर्मेंस है तो कंपनी बहुत छोटा है, 6,000 करोड़ का। कंपनी का कर्जा भी देखिए 6.62% डेप्थ ऑफ इक्विटी है, बाकी कंपनीज के हिसाब से कंपनी का डेप भी कंट्रोल में है। कंपनी का एनुअल इनकम नेगेटिव में है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत कम है मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। तो क्वार्टर के बेसिस के बारे में बात करें तो कंपनी ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, इस बार कंपनी ने 209 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट किया। और बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करें तो कंपनी ने 2020 में ही इस साल में कंपनी लॉस किया 170 करोड़ के आसपास, 67 करोड़ के आसपास कंपनी ने लॉस किया। बाकी साल में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था। तो कंपनी ने रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से लगातार लॉस दिया, लगातार नेगेटिव लॉस दिया, तो इसीलिए लोगों के मन में इस कंपनी से भरोसा ही धीरे धीरे करके उठते जा रहे हैं। तो कंपनी के मतलब कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उस तरीके से कंपनी का कैश फ्लो हाथ में आ रहा है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी देखिए बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो डीएस के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट था 22%, अभी वो 11% बन चुके हैं, मतलब डीएस इसको इसके ऊपर भरोसा धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। मगर एफआईएस ने 21% होल्डिंग था, आज वो 28% का होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, और पब्लिक के पास कितना 59% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ हर किसी के पास इसका हिस्सेदारी है, और फिर भी कंपनी का चार्ट पैटर्न देख के, देखिए मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, क्योंकि जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं बहुत सारे मुझे कमेंट किया सर मेरे पास इस कंपनी की हिस्सेदारी करीबन 600 के आसपास है, तो मैं क्या करूँ, तो अभी तो 100 रुपीज़ में चला है तो बहुत ज़्यादा मुझे लॉसेस हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। देखिए मैं जरूर कहूँगा आप यहाँ से अगर एग्जिट हो जाएंगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, टोटली आपका लॉसेस ही होगा। तो मैं जरूर कहूँगा आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए होल्ड करिए, शायद कंपनी फिर से पॉजिटिवली कुछ परफॉर्मेंस करे और अच्छा खासा ग्रोथ दे। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।